इसकी जो हाइट है 105 फीट यानी 35 मीटर इसकी हाइट है, 35 मीटर 35 जानते हैं लंबा है। ताजमहल को बनाया एम्परर शाहजहां, शाहजहां दूसरे पांचवें मुगल थे, पहले मुगल बाबर, सेकंड हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, पांचवें शाहजहां। तो ये कहां से आए? अफगानिस्तान काबुल, मुगल कह रहा है। शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया मुमताज की याद में, लेकिन मुमताज का जो असली नाम था अंजुमन बानो बेगम, जो कि 1592 के अंदर ईरान के अंदर पैदा हुई थी, बहुत सुंदर लेडीज थी। शाहजहां की जो शादी हुई 1612 में और 1631 के अंदर उनका देहांत हो गया, उनके 14 बच्चे हुए थे जिसमें कि 8 बच्चे डिलीवरी टाइम पे मर गए थे, जिसमें कि 4 लड़के और 2 लड़कियां बची थी। उस टाइम मुमताज की जो उम्र थी 39 साल की थी। मुमताज का देहांत आगरा में नहीं हुआ, उनका देहांत मध्य प्रदेश में एक जगह है बुरहानपुर, वहाँ पर उनका ध्यान हो गया। तो उनकी बॉडी को वुडन बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स के अंदर लेके वापस दफना दिया गया, समझे। लेकिन मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से 3 तरह के वचन लिए थे मरने से पहले, कि आप मेरी याद में कोई ऐसी सुंदर सी चीज बनाना जो दुनिया के अंदर याद रखे, दूसरा वचन आप शादी मत कीजिए, क्योंकि मुमताज से पहले भी उनकी दो रानियां थी, एक का मकबरा पूर्वी गेट पर है, दूसरी का पश्चिमी गेट पर। देखो वो सफेद सफेद डॉम नजर आ रहा है, वाइट डॉम। तीसरा वचन कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, 6 महीने के बाद उनको याद आया कि मैंने मुमताज से कोई वादा किया है, तो उनकी बॉडी को वहां से लाए और यहाँ पर दफना दिया गया। फिर इसको स्टार्ट किया 1631 में, 1653 के अंदर ये बन के तैयार हुआ, इसको बनने में 22 साल लगे, समझे, 22 है। 20,000 मजदूरों ने बना के ताजमहल को तैयार किया। ताजमहल जो बना है व्हाइट मार्बल से बना है, व्हाइट मार्बल जो है राजस्थान से मंगाया गया और जगह का नाम है मकराना, 360 किलोमीटर दूर है यहाँ से, क्योंकि उस टाइम में कोई ट्रक वगैरह लोरी वगैरह नहीं चलते थे, किसी भी मार्बल आए भाई एलिफेंट भाई ब्लू कार्ड में कैमिल के जरिए लाए, ऊंट गाड़ी हमते उसके जरिए ले जाए। एम्परर शाहजहां ने रियल स्टोन जो होते हैं मदीने लगाते, दूसरे मुल्कों से मंगाए, अपने देश से मंगाए और मार्बल के अंदर खोद के स्टोनों को फिट किया, क्योंकि ताज का मतलब है मुकुट, क्राउन मार्ग पैलेस। इसका जो डिजाइन बनाया उनका नाम था उस्ताद ईसा अफिंदी फ्रॉम टर्की। ताजमहल को आप कहीं से भी देखिएगा आपको एक सा नजर आएगा। सबसे पहले उन्होंने व्हाइट मार्बल का मॉडोलियम बनाया, सबसे पहले जब शाहजहां मुमताज की कब्र है उसको बनने में 17 साल लगे। अंदर की साइड में मस्जिद है, मेहमान खाना है, म्यूजिकल गैलरी यानी ड्रम हाउस और ये कोर्टयार्ड, इसको बनने में 5 साल लगे। तो 17 × 5 कितना हो गया 22 है। देखो ऊपर जो जा रहे गुम्बद नजर आएंगे, छोटे छोटे गुम्बद आ रहे, जा रही है कि ज्यादा है, 11 है, 11 आगे हैं, 11 इसके पीछे हैं, 11 और 11 22 ताजमहल कितने साल के अंदर बनके तैयार हुआ, 22 साल के अंदर बनके तैयार हुआ। देखिए उस जमाने के अंदर लोग जब सफर किया करते थे तो समूह के समूह चला करते थे, घोड़ों में चला करते थे, या तो वो जंगल में रुक जाते थे, अगर इधर से गुजरना हुआ निकलना हुआ उनको तो यहाँ रुक जाया करते थे, जैसे लगे सराय, जैसे लगे धर्मशाला, ठीक है, समझ में आया आपके। देखो ये रंग बिरंगे फूल पत्ती है, देखते हो ये कलर नहीं है, ये सारे स्टोन है, क्योंकि इन पर शाहजहां ने दूसरे मुल्कों से मंगाए, अपने देश से मंगाए, खुद बाके इसके अंदर स्टोनों को फिट कराया। आया बेटी समझ लो आपसे, ताली बजाओ, आ जाओ और सब ऐसे ही रहना, ठीक है, इकट्ठे ही रहना।